Yeah, I think we're doing this. तो अभी के टाइम अपन इंस्टाग्राम पर कुछ इस टाइप रील तो जरूर से देखे क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एंड अगर आप भी कुछ इस टाइप रील को एड करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है आपकी रील वायरल होने के, क्योंकि इस वाले सॉन्ग पे अभी के टाइम में जितनी भी रील्स बने सबके मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज्यादा वायरल हो रही इस टाइम। तो आज के वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे इस टाइप रील को एडिट कर सकते हो एंड कैसे अपनी रील को वायरल भी करा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट जरूर कर देना ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है VN, जिसे आप बहुत ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। देखो एक एक स्टेप बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल हाथ पकड़ के सिखाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और बिल्कुल लास्ट तक देखना। तो देख क्या करना है आपको, सबसे नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस वाला, तो आप इस टाइप से क्लिक करेंगे एंड ऐसे न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। ठीक है, और देखो आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगी ये वाली, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस से चूज कर लेंगे। तो इस वाली वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जो कि टेलीग्राम चैनल पे है, तो आप इस वहाँ से बहुत ही डाउनलोड कर सकते हो। देन आपका पे एरो वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, आपको यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी वीडियो आ चुकी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे अपनी वीडियो को रैम सेट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओरिजिनल वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से 9:60 वाला रेस चूज कर लेंगे जो कि हम इंस्टाग्राम रील के लिए करते हैं। ठीक है, और क्या करना है देखो, आपको यहाँ पे लास्ट में जाना है एंड आपको यहाँ पे एक वाटर मार्क मिलेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे और हिसाब से कर देंगे डिलीट, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो अभी आपके यहाँ पर वीडियो इतनी बची है, तो अभी क्या करना है देखो, आपको यहाँ पे अपने फोटोज ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ऐसे जाएंगे वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन पे, और आपको यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन जाना है और आपको यहाँ से अपने कोई 6 फोटो चूज कर लेनी है। कितनी? 6 फोटो। तो मैं ऐसे अपने फटाक से फोटो चूज कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फोटो चूज कर लिए, देन आपका पे एरो वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे नीचे, तो यहाँ पे हमारी सारी फोटोज आ चुकी है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे एक म्यूजिक ऐड करना है, तो उसके लिए आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ है। ठीक है, एंड ऐसे म्यूजिक वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे इस टाइप से, और आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा छोटा सा प्लस वाला, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे, तो आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे। बहुत सिंपल है यार। एंड देखो आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगी जो कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐड की थी, तो इस पर यहाँ से फिर से क्लिक करेंगे इस टाइप से, और यहाँ से ओके वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, तो जो इस वाले वीडियो का ऑडियो होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा एंड आ चुका है सबसे ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस हिसाब से कर लेंगे चूज एंड ऐसे कर देंगे राइट वाला ऑप्शन क्लिक। ठीक है, और देखो आप यहाँ पे एक आइकन और दिख रहा होगा छोटा सा, ये स्पीकर वाला। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्लिक करेंगे, तो इससे क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर वीडियो में इस वाले में थोड़ी बहुत ऑडियो होगी तो यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक अलग से म्यूजिक लगा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो अभी क्या करना है आप यहाँ पे अपने इस वाले म्यूजिक में बीट लगानी है, तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा आपको बीट लगाने की, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो बीट लगाने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली म्यूजिक पर टैप करना है एक बार। ठीक है, टैप करेंगे एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेकंड नंबर पर बीट वाला, तो आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे। ठीक है, और देखो आप यहाँ पे अपनी फर्स्ट बीट लगाने 6.60 पे, तो पहले आपको यहाँ पे इस टाइप से स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे पहले ये देखना है कि 6.60 कहाँ पर आ रहा है, तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक बार देख के बता देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6.60 आ चुका है। तो बीट लगाने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली स्लाइड वाले फ्लैग पे क्लिक कर देना है, तो आपके यहाँ पे फर्स्ट बीट लग जाएगी। देन आपको अपनी सेकंड बीट लगानी 7.88 पे, तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देख लेंगे 7.88 कहाँ पर आ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7.88 आ चुका है। ठीक है, तो फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें सेकंड बीट लग जाएगी। एंड देखो आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहली बीट कहाँ पर है, दूसरी बीट कहाँ पर है और तीसरी बीट कहाँ पर है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। एंड जब आप अपनी कोई रील एडिट करो तो आप इसमें देख देख के अपनी रील को बहुत इजीली एडिट कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे एक ही बीट लगा के दिखाने लगा तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एंड वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आप अपनी सारी बीट फटाक से लगा लूंगा एंड उनकी जो टाइमिंग होगी वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे बीट लग चुके हैं। तो देखो अभी मैं आपको यहाँ पे इनकी टाइमिंग बता देता हूँ कि कौन सी बीट कहाँ पर लगानी है आपको। तो आपको यहाँ पे अपने फर्स्ट बीट लगाने 6.60 पे, और सेकंड बीट लगाने 7.88 पे, और आपके यहाँ पे थर्ड बीट है 8.98 पे, और आपकी जो यहाँ पे फोर्थ बीट है वो है 10.38 पे, और यहाँ पे जो फिफ्थ बीट है वो यहाँ पे 11.54 पे, और जो लास्ट वाली बीट है यहाँ पे वो है 12.87 पे। बस आपको यहाँ पे 6 बीट लगानी है, देन आपको राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। देखो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे अपनी पहली वाली बीट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पे सबसे नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा स्प्लिट वाला, तो आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे, तो आपके यहाँ पे वीडियो को जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ऐसे डिलीट हो जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस हिसाब से डिलीट कर देंगे। ठीक है,
देन क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है, तो क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे अपने बीट के नीचे लाके अच्छे से रख देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल बीट के नीचे है, ठीक है। देन आपको अपनी सेकंड वाले फोटो पे क्लिक करना है और इसे भी यहाँ पे इस टाइप से बीट के नीचे लाके रख देंगे, बहुत सिंपल है यार। एंड यहाँ पे इस वाले फोटो पे क्लिक करेंगे और इसे भी यहाँ पे इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेम यही करना है कि अपने फोटोज पे क्लिक करना है और इन्हें यहाँ पे इस टाइप से बीट के नीचे लाके रख लेना है, ठीक है। और देखो आप यहाँ पे जो लास्ट वाली फोटो होगी इस पे क्लिक करेंगे, उसे यहाँ पे अपने म्यूजिक बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पे इसे इतना कर लेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इतना काम कंप्लीट हो चुका है। तो देखो अभी क्या करना है, जो सबसे मेन काम है, आपको यहाँ पे एनिमेशन ऐड करना है। तो उसके लिए आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ है, ठीक है। पहले वाले पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन देगा जूम वाला, आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड ये वाले इफेक्ट आपको यहाँ पे अपने सारे फोटोज में लगाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, आपको यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे फोटोज में आपके लग जाएगा। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे एफएक्स भी ऐड करने, क्योंकि भाई उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने पहले वाले फोटो पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे एंड आपको यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एफएक्स वाला, तो आप इस टाइप से क्लिक करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलेगा जिटर डाउन वाला, आपको यहाँ पे सिर्फ जिटर डाउन वाला ही लगाना है, क्योंकि वो यहाँ पे सबसे बढ़िया लगेगा। तो देख लेंगे एक बार ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इस से कर लेंगे चूज। देन आपको यहाँ पे अपने सारे फोटोज पे इस टाइप से अप्लाई कर देना है, ठीक है, इस टाइप से। देन आपको ब्राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले फोटो भी जाएंगे एंड यहाँ से एफएक्स में जाएंगे फिर से, और इस बार आपको यहाँ पे एक्सपोंड वाला लगाना है, क्योंकि वो यहाँ पे सबसे बढ़िया लगेगा। तो देख लेंगे ये वाला, ठीक है। इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस हिसाब से अपने पूरे फुल फोटो के बराबर कर लेंगे। तो देखो आपको यहाँ पे अपने सारे फोटोज में यही करना है कि पहले जिटर डाउन, फिर एक्सपोंड, फिर जिटर डाउन, फिर एक्सपोंड, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी एक्सपोंड लगाया था, जो इससे नेक्स्ट वाला फोटो है, इसमें यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एफएक्स वाला ऑप्शन जाके इसमें हम यहाँ पे फिर से जिटर डाउन वाला लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे जिटर डाउन कहाँ पर है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने पूरे फोटो के बराबर करके यहाँ से राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है। पहले आपको जिटर डाउन, फिर एक्सपोंड, फिर जिटर डाउन, फिर एक्सपोंड। तो आपको यहाँ पे सेम यही करना है। तो मैं अपने सारे फोटोज में इफेक्ट फटाक से लगा लूंगा। ये तो फाइनली इफेक्ट भी लग चुके हैं, तो अभी मैं आपको वीडियो को चला के दिखा दूँ, देखते हैं कैसी बनी है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो कितनी अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है। हमने यहाँ पे बीट के हिसाब से जो हमने यहाँ पे एनिमेशन लगाए वो बहुत ज्यादा बिंदास लग रहे हैं देखने में। तो देखो अभी क्या करना, आपको अपनी गैलरी में सेव ही करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ऐसे रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, वाली वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। एंड लास्ट में सबसे यही बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को सेट जरूर कर देना, ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। और ये राइट वाली वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो जल्दी से इस पर क्लिक करो, जल्द से देखो।